हेलो कुंती जी, मैं रीना बोल रही हूँ। हमने मिलकर कुछ ऐसा सोचा है कि जी कैसे नहीं पहचानेंगे आपको, बोलिए कैसे याद किया, कब मिला है बोलिए। ओके 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 यप। मैडम क्या है? सो रही हूँ। मैडम फोन है। कह दो सो रही हूँ। सीएम साहब का फोन है मैडम। हेलो। अरे क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा बंटी का सरकार गिराएगा हमरी। अरे अब क्या कर दिया है बंटी ने। इल्लो सारी लंका जल गई, इन्हें खबर ही नहीं। अरे अखबार नहीं पढ़ी हो का आज का? अरे बोलो भाई बंटी से, अपनी हरकतों पे जरा लगाम लगाए, कब तक बचाते फिरेंगे हम उसको। हेलो बेबी, हेलो बच्ची है, समझती नहीं। आइए आइए ना। स्टाइल में है? क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? पिछली बार सब कुछ जल्दी हो गया था ना, आज सब आराम से होगा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। छोड़ दे हरामजादे। ये था तुम्हारा प्यार, अब बताता हूँ क्या होता है प्यार। सारी हरामजादी, तेरे को तो मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, तुमको तो किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, खेल ही कदम कर डालूंगा तेरी तो मैं। नारी धरती, नारी अंबर, नारी ही संसार है, नारी दुर्गा, नारी काली, नारी तारणहार है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मारो मारो बेटी, मारो मारो इसे, मारो इसे, मारो मारो
मगर साली हरमजादी को देख देख देख, पहले फोन करके बुलाती है साली, उसके बाद डंडे चलाती है। अरे तुम्हारा तो जिस दिन मैंने चरणामृत पिया था ना, उसी दिन प्रसाद खा के तुम्हारा स्वाहा कर देना चाहिए था। अरे स्वाहा तो मैं तुम्हारा करूंगी, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी खानदान की औरतें बेटा पैदा करने में भी कतराएंगी। सारी ले जा साली को, आज हम तुमको बचाओ और मैं नचाते हैं। चल साली हरामजादी, क्या समझी थी क्या? हाँ देख जनता देख, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत आवाज उठा रही थी, आज उसी जनता के सामने मैं तेरा क्या क्या उठा रहा हूँ देख। ए बंटी भैया, ये मैडम जी का क्या करना है? अब देखो हम तुमको फ्री शो दिखाते हैं, फ्री शो। फ्री शो? ये क्या होता है बंटी भैया? तुमको नहीं पता ना? तुमको भी नहीं पता, देखो क्या होता है। कुंती जी प्लीज, कुंती जी हमारे बच्चे फ्री शो देखना चाहते हैं, आप हमारी मदद करेंगे प्लीज। हट, तू फ्री शो देखना चाहता है ना? हाँ तो देख, जब तेरी नजर इस छाती पर गिरेगी ना तो अपनी माँ की छाती याद कर कमीने, जिसका दूध पीकर आज तू इस घिनौनी हरकत के काबिल हुआ है। अरे गलती तुझ में नहीं, उस दूध में है जो जहर बनकर तेरी नस नस में दौड़ रहा है। जा अपनी माँ से पूछ कर आ कि किस फ्रीशो की पैदाइश है तू, जा। साली हरामजादी, नंगा ना चाहूंगा बाजार में तुमको। कर और कर भी क्या सकता है तू? उस दिन मेरे कपड़े उतार कर मेरा जिस्म देखा था ना? हाँ आज तू मेरी शक्ति का कहर देखेगा। ए! रुक, बहुत हो गया बोल बच्चा, अब होगा डायरेक्ट एक्शन। साला एसपी, फिर तू आ गया बीच में, एक फोन पे वर्दी उतरवा देंगे साले। लगता है तू पिछली बार की मार भूल गया है, ये वर्दी किसी रंडी की साड़ी नहीं है जिसे कोई नेता या मंत्री जब चाहे इलेक्शन का टिकट देकर उतार ले। तेरी तो गलत हो साले को। जुल्म का जब भी पताका दुनिया में लहराया है, युग युगों में जौहर अपना नारी ने दिखलाया है, वध किया है हर कदम पर जुल्म करने वालों का, हल किया है नारी ने दुनिया के हर सवालों का। No!
चलो ऑटो। ब्रिजभूषण जी, मेरे बेटे को बचाओ वरना जनता उसे मार डालेगी। मैडम आप फिकर मत करो, हम उसको बचा के लाता हूँ। तो जाओ, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अबे हटो यहाँ से, रास्ता दो। अरे हटो, जाने दो, रास्ता दो। मैडम जनता बगावत पर उतर आई है, हमको घुसने नहीं दे रहे। बकबक बंद करो ब्रिजभूषण, मेरे बेटे को वहां से निकालो, मेरा ऑर्डर है, इन पे फायर करो। अरे कैसे फायर करें, इतने लोग मर जाएंगे तो जिम्मा किसका है? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तुमसे कहा ना फायर करो, वरना मैं तुम्हें चौक में नंगा ना चाहूंगी। ब्रिजभूषण जाओ। ठीक है जिम्मा आपका है, हमारा नौकरी नहीं जाना चाहिए। हां ए हवलदार, फायर करो। कोई फायर नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, ये लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। आप घबराइए मत, आपके बेटे को मरने नहीं दूंगा। मिस्टर ब्रिजभूषण जी, सर गाड़ी में बंटी के दोस्त हैं, उन्हें अस्पताल ले जाओ। लेकिन सर हम यहाँ कंट्रोल अभी ले जाओ। ठीक है सर, आप कहते हैं तो हम जाते हैं। मैडम हम जा रहे हैं। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को बचाओ, वो उसे मार डालेंगे। हम तो सिर्फ कानून के रक्षक हैं, और कानून आपके हाथ में है। वैसे आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बंटी को मरने नहीं दूंगा। दिखाई नहीं दे रहा, उसे मार डालेंगे, उसे बचाओ। घबराइए मत, मैंने बोला ना। तुम जैसे को सीधा करना आता है मुझे। डरिए मत, सही वक्त पर जाऊंगा मैं। चंद्र बाबू, मैं रामेश्वरी बोल रही हूँ। हाँ रामेश्वरी जी बोलिए। यहाँ पब्लिक बंटी को मार डालेगी और ये इंस्पेक्टर यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहा है। आप क्या बोल रही हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? मैं रामेश्वरी बोल रही हूँ। अरे भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कमबख्त मोबाइल वा का सिग्नल वा भी टूट जाता है बार बार। हेलो हेलो पब्लिक बंटी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में बात करिए। किस किस से माफी मांगोगे तुम बोलो? किस किस से माफी मांगोगे? तुम्हारी वजह से मेरी बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई, उसके लिए माफ कर दूं? बोलो। तुम्हारी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए माफ कर दूं? बोल कमीने। के सामने कहना होगा कि तुमने कितने पाप किए। बोल बोल हरामजादे बोल। बता दो, बता दो, बता दो, हमने बलात्कार किया, हमने बलात्कार किया, मैंने बलात्कार किया, मैंने उसका बलात्कार किया, मैंने रीना को डाला, मैंने सना को धमकाया, मैंने पाप किया, गुनाह किया, जुर्म किया, मैंने कुंती का बलात्कार किया। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे
नहीं कुंती नहीं, ये उन्हीं का उसूल था। हाँ ये उन्हीं का उसूल था, मुजरिम को सजा कानून देगा। अब ये पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा, यही इसकी सजा है। चल इसके आंचल से है झरते हर घड़ी ममता के फूल, श्रद्धा से माथे चढ़ा लो नारी के चरणों की धूल। खींचते हैं जो भी आंचल देवी रूपी नारी का, वध करो उस पापी अत्याचारी का। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये काले बादल फिर हमारी जिंदगी में ना आए। बेटी, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि जो कुछ भी तुमने देखा सहा, उसका साया भी तुमसे दूर रहे। बस हाँ, इस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी देना। तुम दोनों कल जा रहे हो? जी, कल सुबह। साथ में ना? हम दोनों का मिलन भी एक तरह से आपके वजह से ही हुआ है। और अगर हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। बताओगी ना? हाँ अंकल। अच्छा,